हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम हिंदी में ग्रामर देखेंगे, व्याकरण विभाग, विशेषण। विशेषण अर्थात इंग्लिश में उसे कहा जाता है एडजेक्टिव। सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या है। ध्यान में रखना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, क्योंकि आप सभी संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हो। संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, राइट, उसे संज्ञा कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम अर्थात जैसे यह, वह, मेरा, तुम्हारा, आपका, तो ये सब सर्वनाम है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं अर्थात उनका वर्णन करते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा सबको क्लियर है कि विशेषण अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा बताए, उसकी विशेषता बताए, उसका व्याख्यान करे, उसे जो है हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताते हैं अर्थात जिस शब्द की विशेषता बता रहे हैं उसे जो है हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण और विशेष्य, विशेषण अर्थात जो शब्द विशेषता बताते हैं, विशेष विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिनकी वो विशेषता बता रहे हैं, जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की, जिस स्थान की वह विशेषता बता रहे हैं उसे जो है हम विशेष्य कहते हैं। जैसे अगर आप विशेषण पहचानना है तो उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा। अब ये सब जो है, जैसे गोरा, वह गोरा है, बाल काले हैं, वह अच्छा व्यक्ति है, वह जो है बहुत ही बुरा है, फूल सुंदर है, मीठा, कोयल मीठा गाती है। अब यहाँ पे ये सब जो शब्द हैं, ये सब हमारे क्या हैं, विशेषण के। जैसे अब हम देखेंगे कि विशेषण और विशेष्य आप किस तरह से पहचानोगे, कि कब जो है कौन से शब्द को हम विशेषण कहेंगे और किसे जो है हम विशेष्य कहेंगे। तो ध्यान में रखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा आसमान का रंग नीला है, राइट। अब यहाँ पे नीला जो है वो विशेषण हो गया, क्योंकि वह आसमान का रंग बता रहा है। और ये जो आसमान है यह हमारा विशेष्य हो गया, क्योंकि किसकी विशेषता बता, रंग नीला है, रंग कैसा है, नीला है। और यहाँ पे आसमान, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जिनकी विशेषता बताई जाती है आसमान को ही नीला कहा गया है। नीला क्या है, आसमान। जब क्या से हमने प्रश्न पूछा, कौन से प्रश्न पूछा, तो हमें जो जवाब मिला वो हमारा विशेष्य है। और जब कैसा से क्वेश्चन पूछते हैं तो जो उत्तर मिलता है वह हमारा विशेषण होता है। जैसे मैंने कहा आसमान का रंग कैसा है, तो आसमान का रंग नीला है, तो यहाँ पे नीला हमारा क्या हो गया, विशेषण। दूसरे एग्जाम्पल में आप और अच्छे तरीके से समझेंगे हम, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब जो है मैंने जैसे कहा मोहन कैसा लड़का है, अब मैंने जब कैसा से क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला अच्छा। तो मोहन कैसा लड़का है, अच्छा। अब लड़के की विशेषता जो है, लड़का देखोगे तो यहाँ पे हो गया संज्ञा, और लड़के की विशेषता अच्छा शब्द यह बता रहा है, और जिस जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर अच्छा शब्द जो है वह हमारा विशेषण हो जाएगा।
कौन अच्छा लड़का है। अब कौन से जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमको उत्तर क्या मिल रहा है, मोहन। मोहन एक अच्छा लड़का है। तो जब अब कौन से हमारा जवाब मिला, मोहन। मोहन हमारा हो गया विशेष्य, अर्थात मोहन की विशेषता जो है यह अच्छा शब्द बता रहा है। यह लड़का शब्द भी किसके लिए आया है, मोहन के लिए ही आया है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मोहन जो है विशेष्य हो गया। हम लड़का को विशेष्य नहीं लिखेंगे क्योंकि लड़का कौन है, मोहन। तो जो विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, हम उसी को विशेष्य कहते हैं। होप सब सभी को क्लियर हो गया होगा कि विशेषण शब्द किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि विशेषण के भेद, विशेषण के प्रकार, भेद अर्थात प्रकार, कि विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम विशेषण प्रमुखतः चार प्रकार का होता है, ध्यान में रखिएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं, जिसमें पहला हमारा है गुणात्मक विशेषण, दूसरा है परिणाम वाचक, या इसी को परिमाण वाचक भी कहा जाता है, परिणाम वाचक, या इसी को कहते हैं परिमाण वाचक। परिमाण वाचक विशेषण, तीसरा है संख्या वाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणात्मक विशेषण, परिणाम वाचक या परिमाण वाचक विशेषण, संख्या वाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब इसके नाम से ही इसकी व्याख्या हमें क्लियर है, गुणात्मक अर्थात गुणों की जो विशेषता बता रहे हैं वह गुणात्मक विशेषण है, परिमाण वाचक जो हमें मात्रा बता रहे हैं उसे परिमाणवाचक कहते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। तीसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पे हम संख्या के बारे में जो शब्द संख्या की विशेषता बताते हैं उसे जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब ये संख्यावाचक विशेषण में भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और चौथा आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणात्मक विशेषण, परिणामवाचक या परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब सर्वप्रथम हम उसमें देखेंगे गुणात्मक विशेषण की, गुणात्मक विशेषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, राइट, स्वभाव, जिसे आप गुणधर्म कह सकते हो, गुणधर्म स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुणधर्म और स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, उन्हें ही हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, जो गुणों की व्याख्यान कर रहे हैं, जैसे अच्छा, ये अच्छाई जो है एक गुण है, पुराना, झूठा, सफेद, अब ये सब जो है एक गुण है, तो इसलिए यहाँ पर यह जो है गुणवाचक विशेषण होता है। अब एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है, प्रश्न दिया रहेगा और आपको कहा जाएगा कि विशेषण के भेद पहचान कर लिखिए, या विशेषण को अधोरेखित कीजिए और विशेषण वाले विशेषण के भेद पहचान कर लिखिए। अब आपको दोनों काम करना है, विशेषण वाला शब्द भी अंडरलाइन करना है और दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि विशेषण का भेद भी आपको पहचानना है। अब जैसे पहला प्रश्न आ गया, गाय का रंग सफेद है, तो ध्यान में रखिए आप कैसा से जैसे ही क्वेश्चन पूछोगे आपको आंसर मिल जाएगा, गाय का रंग कैसा है,
गाय का रंग कैसा है? सफेद है। तो यहाँ पे यह सफेद शब्द जो है यह आपका गुणात्मक विशेषण हो गया। तो आपको इस तरह से सफेद लिखकर आगे अंडरलाइन करके आपको लिख देना है गुणात्मक विशेषण। अब यहाँ पे गाय शब्द क्या हो गया हमारा? विशेष्य, क्योंकि ये सफेद रंग जो है वह किसका है? गाय का है। तो यहाँ पे गाय शब्द हमारा हो गया विशेष्य। मंजू का घर पुराना है। अब मंजू का घर पुराना है, मंजू का घर कैसा है? तो आगे जवाब पुराना है। अब पुराना शब्द जो है यहाँ पर, पुराना शब्द यह जो हो गया गुणात्मक विशेषण हो गया। और किसका घर पुराना है? मंजू का। तो मंजू शब्द विशेष्य हो गया, लेकिन हमारा जो है विशेषण वाला शब्द क्या मिला? पुराना। और कौन सा विशेषण है ये? कौन सा भेद है विशेषण का? गुणात्मक विशेषण। तीसरा देखेंगे और क्लियर करने के लिए आपको। वे लड़के झूठ बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वह लड़के या वे लड़के कैसे बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? झूठ। तो झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ शब्द जो हो गया यह हमारा गुणात्मक विशेषण है। झूठ शब्द क्या हो गया? गुणात्मक विशेषण। मोहन बहुत मोटा लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? मोहन बहुत मोटा लड़का है। अब ये मोटाई, अब लड़के की मोटाई बता रहे हैं, तो ये मोटा हमारा क्या हो गया? गुणात्मक विशेषण, गुण बता रहा है। मोहन कैसा लड़का है? मोटा लड़का है, राइट? कौन मोटा लड़का है? मोहन। मोहन क्या हो गया हमारा? विशेष्य। और मोटा क्या हो गया? विशेषण। और विशेषण का कौन सा प्रकार है? क्योंकि यह गुण बता रहा है, इसलिए यह जो है गुणात्मक विशेषण कहलाता है। यह जो है हमारा गुणात्मक विशेषण है। तो इस तरह से हम जो है गुणात्मक विशेषण आसानी से पहचान सकते हैं। गुणात्मक विशेषण के बारे में हम कह सकते हैं कि गुणात्मक विशेषण जो होता है यह सदैव गुण बोधक, रंग बोधक, संक्षेप में आप पहचान सकते हो कि गुण बोधक, रंग बोधक, आकार बोधक और काल बोधक होता है। जैसे मैंने कहा गुण बोधक, किसी की अच्छाई बताना, बुरा बताना, गोरा, वीर, कायर, क्रोधी, ये सब जो है आंतरिक भावनाएं हैं जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, यह हमें दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम कहते हैं गुणात्मक। अब अच्छा वह कितना अच्छा है पता नहीं, बुरा वह कितना बुरा है, वीर कितना वीर है हमको नहीं पता। तो ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, ये सब गुण हैं, व्यक्ति के, व्यक्ति विशेष के गुण हैं। इसलिए यह जो है गुण बोधक है। रंग बोधक अर्थात कलर के बारे में बताता है, जैसे सफेद है, हरा है, नीला है, पीला है, लाल है, काला है। तो जितने भी रंग होते हैं, ध्यान में रखना, जितने भी रंग होते हैं वह सदैव गुणात्मक विशेषण होते हैं। अगला है आकार बोधक। अब आकार जो हमें शेप्स बताते हैं, आकार जैसे मोटा, पतला, गोल, लंबा, चौड़ा, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, तो ये सब क्या है? आकार का हमें जब संबोधन होता है तो वह भी हमारा गुणात्मक विशेषण होता है। इसके बाद अगला है हमारा काल बोधक, अर्थात ये काल के बारे में बता रहे हैं, समय के बारे में बता रहे हैं, नया है, पुराना है, राइट? तो यहाँ पे हमें काल का बोध हो रहा है। जब काल का बोध होता है तो वो भी हमारा गुणात्मक जो है विशेषण होता है। इस तरह से हम आसानी से गुणात्मक विशेषण पहचान सकते हैं।